तो हेलो एवरीवन, आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? वैसे एस्पिरेंट्स जिसका नीट 2021 में अच्छा स्कोर आ रहा है और अगर वो बिहार में कॉलेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने ये चीज़ डिस्कस किया है कि टॉप 10 मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार में कौन कौन से टॉप मेडिकल कॉलेज है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करूँगा कि वो कॉलेज कब एस्टेब्लिश हुआ था, वो कॉलेज का रैंकिंग कितना है, उसमें हमारे पास सीट्स कितने हैं और उसका फ़ी कितना लगता है पर ईयर, और उसमें हॉस्टल मिलते हैं कि नहीं, और कितने मार्क्स पे 2020 में वो कॉलेज मिला था। मतलब ओवरऑल हम कट ऑफ का बात करेंगे। तो एट लास्ट में हम कट ऑफ के बारे में बताएंगे कि उस कॉलेज का कॉलेज वाइज कट ऑफ कितना होगा, किस रैंक पे वो कॉलेज 2020 वाले एस्पिरेंट्स को मिला था, उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी मिलेगा। तो अगर आपका रिजल्ट उसके उस रैंक के आसपास आ रहा है तो यू कैन गेट दैट कॉलेज। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सा कॉलेज है हमारे बिहार में और उसका खासियत क्या है, कब, ऑल अबाउट बिहार मेडिकल कॉलेज। तो सबसे पहले ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो जाके ज्वाइन कर लो, द एप्रन बॉय। किसी भी प्रकार का डाउट हो उसमें आप अगर मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे भी द एप्रन बॉय ही है, वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन मैसेज मी। और आपने अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काम अब भी कर लो, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड सारा चीज़ मैं बताऊँगा एंड जो भी नीट 2022 वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी मैं ये बता दूं कि आपके लिए भी मैं बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा। अभी फ़िलहाल थोड़ा 21 वाले में बात करते हैं एंड आपके लिए भी वो वीडियोस आएंगे जो एजुकेशनल पर्पज़ से होंगे, ठीक है। उसमें आपको बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है 22 के लिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज आता है, दैट इज़ पटना मेडिकल कॉलेज, ठीक है, जिसको PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1925 में हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे टोटल 200 सीट है। एफिलिएशन का बात करें तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है एंड यहाँ पे फ़ी का बात करें तो 20,000 के अप्रॉक्स में पर ईयर फ़ी लगते हैं, ठीक है। एंड हॉस्टल्स का बात करें तो फर्स्ट ईयर में कुछ महीनों तक यहाँ हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट PMCH पटना एंड PMCH पटना बिहार का टॉप मेडिकल कॉलेज है, ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। तो ये कॉलेज का कट ऑफ भी थोड़ा हाई होता है क्योंकि ये पहला बिहार का मेडिकल कॉलेज है, दैट्स वाई इसका कट ऑफ हाई होता है। एजुकेशनल पर्पज़ से बात करें तो यहाँ पे ठीक ठाक पढ़ाई भी होता है, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं एंड पटना का सबसे बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, दैट्स वाई यहाँ पे सीखने को भी बहुत कुछ मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ओवरव्यू बस लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज हैं, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे कि इसका कट ऑफ कितना था 2020 में, कुछ फिगर्स हैं जो आप देख सकते हैं, ठीक है, वैसे आप नेट पे भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो मेडिकल कॉलेज है हमारे पास, दैट इज़ IGIMS पटना, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसको बोलते हैं, ठीक है, पटना में ही वो भी है, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1983 में हुआ था, यहाँ पे टोटल 120 सीट है एंड एफिलिएशन का बात करें तो ये ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस बोलने का मतलब ये होता है कि ये कॉलेज किसी दूसरे यूनिवर्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है, इसका हर चीज़ खुद का होता है, एग्जामिनेशन से लेके एवरीथिंग अबाउट कॉलेज, कॉलेज में कुछ नया करना है, कॉलेज में कुछ नया लाना है तो इसे किसी की परमिशन नहीं चाहिए, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी की परमिशन नहीं चाहिए, ये ऑटोनोमस है, ठीक है। कि कोई कोई स्टूडेंट्स इसको सेमी गवर्नमेंट या सेमी प्राइवेट जो भी बोलते हैं, तो ये इसलिए क्योंकि इसका फ़ी बहुत ज़्यादा है। आप अगर इसका पर ईयर का फ़ी देखो तो 1.25 लाख पर ईयर का फ़ी लगता है। तो हॉस्टल का बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में कुछ महीनों तक यहाँ भी हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मे बी अभी मिल भी रहा होगा बट इन 2020 नहीं मिला था। तो ऐसा है कि IGIMS पटना बस फ़ी ज़्यादा है इसलिए इसका रैंकिंग थोड़ा सा नीचे आ जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। तो ओनली ऑन बिकॉज ऑफ फ़ी यहाँ पे एक आपको सबसे बड़ी चीज़ का फैसिलिटी ये मिलता है कि PG में यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट के लिए भी सीट्स हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये कॉलेज बहुत अच्छा है एंड यहाँ पे पेशेंट्स से आपको सीखने को भी बहुत मिलेगा, नॉट इन फर्स्ट ईयर, जब आप लास्ट थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाओगे तब जाके, ठीक है।
तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास मेडिकल कॉलेज है दैट इज NMCH पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। ठीक है, इसका रैंकिंग 3 इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पटना में है, बस और कुछ नहीं। ओवरऑल अगर इसका बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट 1970 में हुआ था, टोटल सीट्स यहाँ पे 150 है, एफिलिएशन AKU से ही है। फ़ी का बात करें तो यहाँ पे भी 15,000 अप्रॉक्स फ़ी लगते हैं, ज़्यादा बड़ा फ़ी नहीं है। ठीक है, हॉस्टल का बात करें तो फर्स्ट ईयर में हॉस्टल आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, कुछ फिगर्स हैं नालंदा मेडिकल कॉलेज का, देख सकते हैं। और इसका रैंकिंग 3 इसलिए आया है क्योंकि बस ये पटना में है और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद का जो कॉलेज है दैट इज़ दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज का रैंकिंग 4 है इसलिए क्योंकि ये थोड़ा ऑफ साइड में है। ठीक है, बस बट दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी बहुत अच्छा है, इसे आप 3rd पे भी रैंकिंग कर सकते हो, जब आप काउंसलिंग करवाना तो 3rd पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज और नालंदा मेडिकल कॉलेज में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ठीक है, अगर आप एस्टेब्लिशमेंट का बात करो तो 2nd ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है दरभंगा मेडिकल कॉलेज, 1946। ठीक है, एंड उसके बाद टोटल सीट्स की बात करो तो यहाँ पे टोटल सीट्स कितने हैं, 120। ठीक है, एफिलिएशन का बात करो तो ये भी AKU से ही एफिलिएटेड है। एंड फ़ी का बात करो तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा फ़ी नहीं लगता, 22K इज़ नॉट अ बिग। ये पर ईयर का फ़ी मैं बात करो, ठीक है, पर ईयर आपको इतना लगेंगे। यहाँ पे हॉस्टल्स भी आपको अवेलेबल होगा, मैं खुद दरभंगा मेडिकल कॉलेज का 2nd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ तो मुझे पूरा आइडिया दरभंगा मेडिकल कॉलेज कैसा है। ठीक है, तो मैंने एक वीडियो भी बना चुका है दरभंगा मेडिकल कॉलेज का टूर के बारे में, वो भी आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आना तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ओके, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ हॉस्टल भी आपको मिलेंगे फर्स्ट ईयर में, ज़्यादा अच्छा हॉस्टल नहीं है बट मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ फिगर्स हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज का, ये एकेडमिक बिल्डिंग का है, ये तुम्हारा गेट हो गया, ये भी ये कैंपस का हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल ये था, ये रहा दरभंगा मेडिकल कॉलेज। यहाँ मेस में सब कुछ रहता है, ठीक है, हर कॉलेज में आपको मेस फैसिलिटी मिलेगा ही, उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कॉलेज की तरफ से किसी भी हॉस्पिटल कॉलेज में आपको मेस नहीं मिलते हैं, ठीक है, उसका एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज है दैट इज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, JLNMCH बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ भी आपको फर्स्ट ईयर में कुछ दिन तक हॉस्टल नहीं मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट का बात करें तो 1970 में ये इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, टोटल सीट्स यहाँ पे 120 ही है। ठीक है, AKU से एफिलिएटेड है, फी स्ट्रक्चर 15K नॉट मोर। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, 15,000 पर ईयर लगेगा। ठीक है, कुछ फिगर्स हैं इनके। और इस कॉलेज का बात करूँ तो यहाँ भी आपको फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं मिलते हैं, मैं खुद गया था वहाँ पे तो मुझे आइडिया है इसका। और मेजर सी बात यह है कि यहाँ पे कॉलेज का जो कैंपस है, एकेडमिक कैंपस और हॉस्पिटल थोड़ा दूर दूर है, इसलिए ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हो सकता है। DMCH में कॉलेज का एकेडमिक कैंपस एंड हॉस्पिटल दोनों पास में ही है, NMCH में भी थोड़ा सा दूर है, ओके, ज़्यादा दूर नहीं बट थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो सेकेंड दैन नेक्स्ट कॉलेज जो हमारे पास दैट इज SKMCH मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1970 में ही हुआ था। टोटल सीट्स कितने हैं, 120। ठीक है, और एफिलिएशन किसके द्वारा है तो AKU ही करवा रहा है। ठीक है, और फ़ी स्ट्रक्चर का बात करो तो यहाँ पे 10K के आसपास तुम्हारा फ़ी लगता है। ठीक है, कुछ फिगर्स हैं। हॉस्टल का बात करो तो हॉस्टल शायद यहाँ भी नहीं मिलता है फर्स्ट ईयर में। देखो मैं बता दूँ, हॉस्टल जनरली आपको DMCH में फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा एंड VIMS पावापुरी में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अदर कॉलेज में कुछ महीनों तक आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आपको मिलता है बट वेट करना पड़ता है। ठीक है, इन केस ऑफ गर्ल्स वो मिल जाता है, गर्ल्स को मिल जाता है बट बॉयज़ को वेट करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलेज है हमारे पास ANMCH गया, अनुग्र नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया में है। ठीक है, तो इसके बारे में देखो तो एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ, 1969 में हुआ। टोटल सीट्स कितने हैं, 120। AKU से एफिलिएटेड है, फ़ी भी ज़्यादा नहीं है, 10K। हॉस्टल यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा, कुछ फिगर्स हैं देख सकते हो। उसके बाद जो मेडिकल कॉलेज है दैट इज़ VIMS पावापुरी, ये 2011 में ही एस्टेब्लिश हुआ, नया मेडिकल कॉलेज है। इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा है, हर मेडिकल कॉलेज से बहुत अच्छा है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, नया है इसलिए इसकी रैंकिंग थोड़ा कम होता है। टोटल सीट्स यहाँ भी 120 है, AKU से एफिलिएटेड है, 20K के आसपास का फ़ी लगता है, हॉस्टल यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल टाइप का, बहुत मस्त है। ठीक है, तो ये कॉलेज आप प्रिफर कर सकते हो अगर आपका मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहा है तो, लोअर कॉलेज में ये बहुत बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, बस ओल्ड है, सॉरी
न्यू है, बस इतना ही इसका निगेटिव पॉइंट और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ इसका बेस्ट है। देन नेक्स्ट कॉलेज हमारे पास है GMC बेतिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया भी 2008 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये भी कुछ न्यू ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। एंड टोटल सीट्स यहाँ पे 120 ही हैं, AKU से ही एफिलिएटेड है। एंड फी स्ट्रक्चर का बात करो तो यहाँ पे 16,000 फी लगते हैं, ठीक है, 16,000 एनुअली। हॉस्टल यहाँ भी आपको नहीं मिलेंगे, तो ये कुछ फिगर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज का बात करते हैं, दैट इज एम्स पटना, ठीक है, पटना में, बिहार में हमारे पास मात्र एक एम्स है, ठीक है, एम्स पटना। दरभंगा में भी उसका कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है, मतलब सुनने में आया है कि एम्स दरभंगा में भी बनेगा, बट बिहार में बस एक एम्स है, दैट इज़ एम्स पटना। और इसका रैंकिंग 10 नहीं है, ठीक है, ऐसा 10 इसलिए लिखे है क्योंकि ये लास्ट में आता है, इसका रैंकिंग ऊपर में आता है, ठीक है। तो जैसा कि नीट 2020 से ही एम्स और नीट वालों का काउंसलिंग शायद एक साथ से हो रहा है, तो एम्स का रैंकिंग ऊपर है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। इस्टेब्लिशमेंट इसका नया में हुआ है, नया कॉलेज है, 2012 में हुआ था। टोटल सीट्स कितने हैं, 100, ठीक है। और एफिलिएशन ये भी ऑटोनोमस है, एम्स हर ऑटोनोमस ही होता है, इसका AKU से एफिलिएशन नहीं है, ठीक है। फ़ी का बात करें तो हर एम्स का फ़ी काफ़ी कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, ये आप पॉकेट खर्च से भी निकाल सकते हो, ठीक है, 5K पर ईयर। हॉस्टल यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टॉप 10 मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार। एम्स का रैंकिंग 10 नहीं है, इसको हम लास्ट में इसलिए लिखें क्योंकि ये एम्स है, ठीक है, इसका रैंकिंग सेकेंड या थर्ड पे आता है, ठीक है, PMCs के बाद एम्स का ही रैंकिंग आएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई दिस इज़ अबाउट टोटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार। एक और न्यू मेडिकल कॉलेज खुला है, ठीक है, बिहार में 2020 में उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जनक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधेपुरा में। यहाँ पे 100 सीट्स हैं एंड इसके भी फीस 7K हैं। ये कॉलेज सबसे लोएस्ट रैंक पे आता है इसलिए क्योंकि ये न्यूएस्ट मेडिकल कॉलेज है। तो अब हम बात करते हैं उसका कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि पटना मेडिकल कॉलेज, ये कट ऑफ आप देख सकते हो, ये जो PDF है ना, इस PDF को हम टेलीग्राम पे डाल देंगे कल सुबह, ठीक है, तो आप वो चीज़ देख लेना। ये वीडियो को मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कल सुबह मैं डाल दूंगा, तो वो आप वहाँ पे देख लेना और अपने से कुछ एक आइडिया बनाना, ठीक है। यहाँ पे सारा कट ऑफ मैंने दिखा दिया है, जैसा कि आप देख सकते हो ना, पूरा कट ऑफ का चार्ट मैंने दे दिया, ठीक है, इसको आप टेलीग्राम पे देख लेना, वहाँ हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप एक आइडिया देख सकते हो कि कौन से कॉलेज का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कितना था 2020 में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप एक अंदाज़ा बना सकते हो कि आपका रैंक अगर इतना आ रहा है नीट में तो कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि बिहार में कौन से मेडिकल कॉलेज है, किसका क्या थोड़ा सा खासियत मैंने बताया, ठीक है, और कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, फ़ी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये PDF को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है एंड काफ़ी सोर्स से हमको ढूंढना पड़ा है, दैट्स वाई इतना तो बनता है। एंड आई होप कि वीडियो का आप लाइक भी ज़रूर करोगे, ठीक है, और जो भी एक्सपीरियंस का अच्छा स्कोर आया है कमेंट करके बता देना कि कितना स्कोर आ रहा है, ठीक है, मे बी आई कैन हेल्प यू, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मे बी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही होगा, और कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए और कौन सा स्टेट का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।